Hello friends, welcome back to my YouTube channel, and today we are talking about TVS Apache RTR 204V BS6 and this is Singal Channel ABS Unit. और आज इसका मैं डिटेल्ड में रिव्यू करने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा. और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएँ. और वीडियो शुरू करने के पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग TVS का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो आप जय TVS पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ये बांदा की डीलरशिप है. जो इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है. अगर आप लोगों को कोई भी TVS का प्रोडक्ट चाहिए तो आप इन लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और गाड़ी ले सकते हैं. सो चलिए बात कर लेते हैं मोटरसाइकिल के बारे में. सबसे पहले मैं इसके प्राइस के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा. ये आती है 1,26,500 रुपये. एक शोरूम कीमत है इसकी. और जो इसकी प्राइसिंग डिटेल है, जैसे कि डुअल चैनल ABS और सिंगल चैनल और जो अभी इसका नया मॉडल आया है उसका, तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा. और कलर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको दो कलर ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि ग्लॉस ब्लैक और पर्ल वाइट. सो चलिए बात कर लेते हैं इसके लुक के बारे में. तो सामने की तरफ आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको क्लॉ शेप वाला फुल्ली LED हेडलाइट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है जब ये ग्लो होता है. और ये पर्सनल चॉइस के ऊपर है, किसी किसी को ये हेडलाइट अच्छा भी नहीं लगता है और किसी किसी को अच्छा भी लगता है. लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये जब ग्लो होता है तो काफ़ी बेहतरीन लगता है और काफ़ी इसका एल्यूमिनेशन भी काफ़ी अच्छा है. और मड गार्ड को भी काफ़ी अच्छे से लेआउट करा गया है. यहाँ पर आपको TVS रेसिंग की ब्रांडिंग वगैरह हर जगह आपको स्टिकरिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी इस मोटरसाइकिल में. और बात करें इसके टैंक की, तो टैंक भी काफ़ी बड़ा बनाया गया है, ह्यूज बनाया गया है. और इसमें जो मसल्ड जो इसके टैंक एक्सटेंशन है वो काफ़ी बेहतरीन लगते हैं. और इसमें आपको RTR की ब्रांडिंग और हॉर्स का 3D लोगो देखने को मिल जाता है. और जिसमें रेस वाले स्ट्राइप्स होती हैं, जो ग्राफिक्स है जो टैंक के बीचों बीच से जाता है, वो काफ़ी बेहतरीन लगता है. और यहाँ पर आपको 3D में थोड़ा सा RTR 200 की बैजिंग देखने को मिल जाती है टैंक पर ही. और जिसका कैप है वो ऑफसेट लगाया गया है, जिसकी वजह से इसका जो एस्थेटिक है और थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसकी खूबसूरती थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ जाती है. और इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करूं तो यहां पर आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है. और ये टैंक काफ़ी अच्छे पर्पस के लिए डिज़ाइन करा गया है. यहाँ पर आप अपने लेग्स को टक इन कर सकते हो और इजीली कॉर्नरिंग वगैरह ले सकते हो. इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे. और इसके साइड पैनल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको वही साइड पैनल्स मिलते हैं, अपाचे की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी. और इसके टेल सेक्शन की बात करें तो टेल सेक्शन काफ़ी अच्छे से लेआउट करा गया है. और इसका जो पीछे का ग्रैब हैंडल है ये बैटमैन टाइप का है. यहाँ पर आप जिप टाइज से काफ़ी अच्छी, जैसे अगर आपको लगेज वगैरह कैरी करना है तो ये आप बांध सकते हो अगर आप लॉन्ग ट्रैवल करते हो. और पीछे का जो टेल सेक्शन है, यहाँ पर आपको LED टेल लाइट मिलती है और ये थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक टेल लाइट है. अगर ये थोड़ा सा और बड़ा होता तो और बेहतर होता, लेकिन जितना है वो भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कर देता है इसका लुक. और पीछे ही आपको 204V की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है. और इसमें जो फेक एयर वेंट्स हैं वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि स्प्लिट सीट में दिया गया है. और इसके सीट की बात करें तो यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलती है. राइडर वाली सीट काफ़ी वाइड और काफ़ी कंफर्टेबल है, और पीछे वाली सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है. अगर इसमें आप पिलियन बैठाना चाहते हो तो आराम से बैठा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. और राइडिंग ट्राइंगल की बात करी जाए तो यहाँ पर आपका जो राइडिंग ट्राइंगल है काफ़ी कंफर्टेबल है. इस बाइक में आपको क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी रेस्ड हैं और इसमें आप लोग काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकते हो. और ये लॉन्ग राइड्स के लिए काफ़ी बेहतरीन मोटरसाइकिल है. और इंजन की नीचे की तरफ आप लोगों को इंजन काउल देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको RT स्लिपर क्लच का एक स्टिकर देखने को मिल जाता है और RTFI की स्टिकर देखने को मिल जाता है. इनके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे. और इसको भी काफ़ी अच्छे से लेआउट करा गया है, काफ़ी बेहतरीन लगता है और काफ़ी जो गाड़ी का लुक है वो बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक लगता है. तो लुक डिपार्टमेंट के बारे में अगर मैं कहूँ तो नो डाउट इसकी ग्राफिक्स और ये जो नए फंकी कलर्स के साथ आई है, तो नो डाउट ये मोटरसाइकिल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है और रोड प्रेजेंस इसकी काफ़ी अच्छी है. सो फ्रेंड्स, चलिए बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में. तो यहाँ पर आपको फुली डिजिटल वाला मीटर में देखने को मिलता है और ये बहुत ही ज़्यादा फीचर लोडेड है. मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो वैसे वैसे वाले फीचर्स इसमें दिए गए हैं, क्योंकि TVS क्या है ना कि अपनी बाइक्स को फीचर्स रिच बहुत रखता है. और ये एक अच्छी बात है कि हम लोगों को काफ़ी अच्छी यूटिलिटीज़ वाले फ़ीचर्स देखने को मिलते हैं. हालाँकि हर एक फ़ीचर इसका ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन कुछ फ़ीचर्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे आपके. तो जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जैसे स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर और आपका सर्विस रिमाइंडर, RPM मीटर, जो जिसको टैकोमीटर भी बोलते हैं, फ्यूल इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, ये चीज़ें आपको मिल ही रही हैं. और साथ ही साथ इसमें आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जिसके थ्रू आप इसका ऐप डाउनलोड करके इस बाइक को कनेक्ट कर सकते हो और इसकी जो पूरी जानकारी है वो आप जैसे हासिल कर सकते हो. जैसे कि रेस टेलीमेट्री आपको देखने को मिल जाती है. और इसका जो कंसोल है इसमें में आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन भी आप कर सकते हो. कॉल और SMS का अलर्ट आपको देखने को मिल जाता है. और इसमें आपको लो फ्यूल का वार्निंग भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ ये असिस्ट भी करेगा कि आप पेट्रोल डला लो या पेट्रोल यहाँ, पेट्रोल टैंक यहाँ पर है. और इसमें आपका क्रैश अलर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है, जिससे आप
किसी का अगर आप नंबर उसमें फीड कर देते हो और अगर आपकी गाड़ी क्रैश करती है तो ये इसमें अलर्ट भेज देंगे। तो ये काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर लगा, और साथ ही साथ इसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर भी देखने को मिलता है, और इसमें टॉप स्पीड रिकॉर्डर भी देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको लैप टाइमर भी देखने को मिलता है, और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी भी आपको इसमें देखने को मिलती है, और साथ ही साथ इसमें जो एवरेज स्पीड कितनी स्पीड में आपने चलाई वो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर लोडेड है, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल काफ़ी ज़्यादा फीचर लोडेड है, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कहूँगा मैं। और इसमें जो फॉन्ट की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, आप इसमें ईजिली आराम से देख सकते हो कोई भी चीज़ें, कोई भी जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप देख सकते हो। और अगर इसमें इसके राइट साइड की स्विचेस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच देखने को मिल जाता है, और नीचे आपको देखने को मिलता है सेल्फ स्टार्ट बटन जो आता है फेदर टच स्टार्ट के साथ, जिसमें आप एक बार ही टच कर दो तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब इजीली स्टार्ट हो जाती है। और लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का स्विच और पासिंग का स्विच देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ इसमें एक इंटीग्रेटेड इन्फो का स्विच देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, जैसे कि स्मार्ट एक्स कनेक्ट की जो भी चीज़ें हैं वो आप इन्फो बटन दबा के सारा कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं मीटर में। तो ये एक अच्छी बात है कि इन्होंने एक डेडिकेटेड बटन दिया है, क्योंकि हर चीज़ आप फ़ोन से नहीं ऑपरेट कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और स्विचेस की क्वालिटी और जो बाकी चीज़ों की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, और फिट एंड फिनिश काफ़ी बेहतर है इस मोटरसाइकिल का। तो फ्रेंड्स चलिए बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इसका इंजन है ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर फोर वेल्व 197.75 सीसी का BS6 कंप्लाइंट इंजन, और ये इंजन है ओवर स्क्वायर इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 20.5 PS 8500 RPM पर, और जिसकी मैक्सिमम टॉर्क है 16.8 न्यूटन मीटर 7500 RPM पर। और ये मोटरसाइकिल आती है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ, और जिसका फ्यूल डिलीवरी सिस्टम है अब इसमें आप लोगों को देखने को मिलता है रेस ट्यून फ्यूल इंजेक्शन, और जिसका कूलिंग सिस्टम है इसमें कूलिंग सिस्टम दो टाइप की दिए गए हैं, पहला तो ये ऑयल कूल्ड तो है ही, और दूसरी चीज़ जो इसका टैंक बनाया गया है, इसके टैंक में कुछ ऐसे पाइप्स दिए गए हैं जिसको रैम एयर असिस्ट कह सकते हो, कि वहाँ से जो टैंक से हवा जो है चैनल होगी और इंजन के हेड पे पड़ेगी तो इसका जो टेम्परेचर है और डिक्रीज हो जाएगा लगभग -10 degrees, और ये जो टेम्परेचर है डाउन कर सकता है, तो जो कि एक अच्छी बात है कि आपको दो दो कूलिंग सिस्टम मिल रहे हैं, इसकी सहायता से आप इसको लंबा रन कर सकते हो और कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस मोटरसाइकिल में आपको स्लिपर क्लच भी देखने को मिलता है, तो स्लिपर क्लच आप समझ सकते हो कि आपकी जो अप शिफ्ट है और डाउन शिफ्ट है काफ़ी स्मूथ हो जाने वाली है, और जो व्हील जो लॉक अप हो जाता है वो नहीं होगा, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है इस इंजन में आपको देखने को मिलती है, यानी कि टेक्नोलॉजी इसमें आपको भर भर के मिलेगी, आपको इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। और इसके माइलेज की बात करें तो ये 35 से 40 KMPL का माइलेज आराम से दे देगी, और इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो यहाँ पर आपको 127 km/h की टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी, और ये इंजन क्लेम करता है 0 to 60 3.9 seconds में, और 0 to 100 12.1 seconds में ये क्लेम करता है। और इस इंजन के साथ आप लोगों को GTT टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक। तो इसमें क्या है कि आप एक एडिक्वेट गियर पे एक एडिक्वेट स्पीड पे चल सकते हो, जैसे कि आपका पहला दूसरा तीसरा गियर पे ये गाड़ी बंद नहीं होगी और चलती रहेगी, तो आप लोगों को बार बार क्लच नहीं दबाना पड़ेगा ना ही गाड़ी बंद होगी, तो ये काफ़ी आसान हो जाता है ट्रैफिक में चलाने के लिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो स्पेसिफिकेशन है काफ़ी अच्छी है, जो टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है वो काफ़ी बेहतर है। और इसके एग्जॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको सामने अब एक बड़ा सा कैटालिटिक कन्वर्टर देखने को मिलता है, और ये डबल बैलर एग्जॉस्ट है जिसका जो साउंड है वो BS4 की अपेक्षा काफ़ी अच्छा कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको साउंड काफ़ी लाउड मिलेगा और काफ़ी सूदिंग मिलेगा, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है, मतलब साउंड के मामले में नो डाउट अपाचे की जितनी भी सीरीज़ की मोटरसाइकिल हैं साउंड बहुत अच्छा करती हैं, एक्सेप्ट 310 को छोड़ के, मुझे 310 का एग्जॉस्ट बिल्कुल नहीं सही लगा, लेकिन इसका एग्जॉस्ट नोट बहुत ही अच्छा है। सो ओवरऑल अगर मैं इंजन के बारे में समराइज़ करूं तो इंजन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आपको पिकअप प्रोवाइड कर देगा, और फन टू राइड मोटरसाइकिल है, आप लोग इससे मतलब कि थोड़ा सा बोर नहीं होगे, जब भी आप इसका थ्रॉटल रिंग करोगे तो ये एकदम भाग जाती है, मतलब मस्त चलती है ये गाड़ी, कुछ कहना ही नहीं है इसके बारे में। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल है और परफॉर्मेंस में भर भर के दिया गया है, और इंजन की रिलायबिलिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, और आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है, अगर आपको कोई अच्छा डीलर मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया। और इस मोटरसाइकिल की ब्रेक सेटअप की बात करें तो यहाँ पर आपको सामने मिलता है 270 mm का पेटल डिस्क, और ये आती है सिंगल चैनल ABS के साथ। असल में इसमें तीन मॉडल आते हैं, एक डुअल चैनल भी आता है और एक मॉड्स वाली भी आई है, तो ये सिंगल चैनल ABS है जो मैं आप लोगों के सामने रिव्यू कर रहा हूँ। और पीछे की तरफ आपको मिलेगा 240 mm का पेटल डिस्क, तो सिंगल चैनल ABS को ये लोग बोलते हैं, सुपर मोटो ABS के साथ आती है, और ये आती है RLP, तो यानी कि जो रियर वाला व्हील है उसको ऊपर ना उठ जाए, इसकी ये भी टेक्नोलॉजी है इसमें RLP टेक्नोलॉजी।
तो इस बाइक की अगर ओवरऑल ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं इनकी बाइक जो बाइट है और जो फीडबैक है वो काफ़ी अच्छा है, आपको ब्रेक्स में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट में मिलता है टेलीस्कोपिक फोक्स और पीछे मिलता है आपको मोनोशॉक सस्पेंशन और ये आते हैं KYB की तरफ से, तो काफ़ी अच्छा ब्रांड है KYB और इसके सस्पेंशन ट्यूनिंग काफ़ी बेहतर है, आप लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इनमें जल्दी काम भी नहीं आता है। और टायर्स की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 90-90-17 का ट्यूबलेस टायर और पीछे मिलता है 130-70-17 का ट्यूबलेस टायर। तो सामने वाला जो टायर है वो आपको मिलेगा रेमोरा का टायर और जो पीछे का टायर है वो आपको मिलेगा यूरो ग्रिप का टायर और ये टायर है रेडियल टायर, जिसकी वजह से आपका जो ग्रिप है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा, मतलब रोड में आपका जो ग्रिप पकड़ रहती है वो काफ़ी बेहतर है और इसकी जो लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है, बेहतर रहती है। और इस मोटरसाइकिल की व्हील बैलेंसिंग भी काफ़ी अच्छे से करी गई है, पीछे की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर एक वेट ऐड किया गया है रिम्स में, तो ये व्हील बैलेंसिंग के लिए होता है। और बात करें इस मोटरसाइकिल के डायमेंशन के बारे में तो यहाँ पर आप इसका व्हील बेस है 1353 mm का और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो मुझे काफ़ी बेहतर लगा, 180 mm है, तो जो कि ख़राब रास्तों पर और कहीं भी अगर आप चलाना चाहते हो तो ये नीचे से लड़ेगी नहीं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और जो इसका सीट हाइट है वो 800 mm है, जो थोड़ा सा शॉर्ट राइडर को दिक्कत कर सकता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती, अगर आपके पास स्केल है तो आप डेफिनेटली बाइक चला सकते हो। और इसके वेट की बात करें तो यहाँ पर इसका वेट है 152 kg का और इसका जो चैसी है वो स्प्लिट क्रेडल टाइप की चैसी इसमें लगाई गई है, जो कि मैनोवरेबिलिटी के लिए भी काफ़ी बेहतर है और कॉर्निंग के लिए भी काफ़ी अच्छी है। तो ये मोटरसाइकिल ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा फीचर लोडेड है और जिस हिसाब से इसका प्राइस रखा गया है वो भी काफ़ी कन्वीनियंट है, तो मेरे हिसाब से जिन लोगों का मन बन रहा है एक 200cc मोटरसाइकिल लेने का और उनको फ़ीचर्स भी चाहिए, मतलब फ़ीचर्स में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चाहिए और इंजन से दबा के परफॉर्मेंस चाहिए, तो डेफिनेटली अपाचे RTR 200 आपके लिए बनी है। लो कॉस्ट में आपके मेंटेनेंस हो जाएगी और ऊपर से इसमें रिलायबिलिटी भी अच्छी है, ऊपर से इसका आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है, पार्ट्स आपको हर जगह मेरे हिसाब से तो मिल जाने चाहिए, अब मिल जाते हैं क्योंकि TVS के जो शोरूम हैं काफ़ी हद तक सारी जगह फैले हुए हैं, तो नेटवर्क इनका काफ़ी अच्छा है, तो डेफिनेटली आप लोग इस मोटरसाइकिल को कंसीडर कर सकते हैं और ये आप लोगों के लिए बेहतर चॉइस रहेगी, मतलब आप लोग इस मोटरसाइकिल के साथ कभी थोड़ा सा रिग्रेट वाली फीलिंग नहीं आएगी, ये मैं कह सकता हूँ इजीली क्योंकि मैंने अपाचेस ओन की है तो मैं जानता हूँ इनकी परफॉर्मेंस क्या है और ओवरऑल इनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो वगैरह क्या है, तो डेफिनेटली ये मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छी है कम्फर्ट के लिहाज से भी, आपके फैमिली के लिहाज से भी, आप इसमें अपने लेडीज़ वगैरह या मम्मी वगैरह को भी बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है, इजीली इसमें बैठ सकते हैं। मोटरसाइकिल मल्टीपर्पज़ मोटरसाइकिल है, आप कॉलेज भी जा सकते हो, इससे ऑफिस भी जा सकते हो, अपने फैमिली को भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, ऑलवेज वियर हेलमेट एंड सेफ राइड।